तो इस लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आप किस तरह से कोड प्रोग्रेशन को मिक्स कर सकते हैं हमारे ट्रैक के साथ, और गाइस आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपने ट्रैक के लिए बेस लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बेस लाइन क्रिएट करने के लिए हमको चाहिए कुछ नोट्स, तो हम हमारे जो कोड प्रोग्रेशन के रूट नोट्स हैं उनको ही यूज़ करेंगे हमारे बेस लाइन के लिए। ठीक है, तो हमारा जो कोड प्रोग्रेशन था वो बेस था ए माइनर स्केल पे। ठीक है, तो उसका जो बेस नोट्स हैं हम उनको सबसे पहले करेंगे कॉपी। हमने सिलेक्ट कर लिया तो अभी इसको करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे एक नए पैटर्न में, इसको रीनेम कर लेते हैं बेसलाइन के नाम से। और गाइस बेसलाइन में हम दो टाइप के प्लगइन्स को यूज करेंगे, एक प्लगइन से हम सब बेस क्रिएट करेंगे और दूसरे प्लगइन से हम मिड बेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम एक सब बेस क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं बू बेस को यूज करूंगा जो एफएल स्टूडियो का डिफॉल्ट प्लगइन है ये एक। तो इसके मिड और ट्रबल को करेंगे कम, बेस को करेंगे इंक्रीज, और इसको वॉल्यूम को करेंगे थोड़ा सा डाउन। इसके चलेंगे इसके पियानो सेक्शन में, पियानो रोल के सेक्शन में, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, जिससे कि हमारे कॉपी किए गए सारे नोट्स यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इनके सारे वेलोसिटी को हम कर लेंगे 80% में। तो ये हो गया, तो अभी हम क्रिएट करेंगे हमारा जो बेस लाइन का पैटर्न है उसको हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे, इस नोट को पकड़ेंगे, इसे छोटा कर देंगे थोड़ा सा, और ये पहले नोट पे प्लेस होगा, फिर थर्ड प्लेस पे, फिर दूसरे बार के सेकंड प्लेस पे। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसी को हम ऐसे कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, और इसको यहाँ पे इस तरह से पैटर्न को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा सब बेस कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया गाइस, तो अभी हमने हमारा जो सब बेस था उसको कर लिया है क्रिएट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सब बेस, अभी हम गाइस एक मिड बेस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे ट्रैक पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली यूज करूंगा, मे बी GMS यूज करते हैं हम इस टाइम पे, आप कोई सा भी प्लगइन यूज कर सकते हो, मैं इस टाइम पे GMS को यूज कर रहा हूँ। और एक मिड फ्रीक्वेंसीज जिसमें बूस्टेड हो उस टाइप का कुछ प्रीसेट हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रीसेट को हमने किया है सिलेक्ट, तो हमारे जो सब बेस का पैटर्न था उसको ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसके सारे फर्स्ट नोट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, हमको नहीं चाहिए। तो इसको सुनते हैं किस तरह से साउंड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया गाइस, तो अभी हम इसको थोड़ा और लेयर करेंगे जिससे कि हमारा जो बेस लाइन हो वो कुछ ज़्यादा ही पंची एंड ग्रूवी साउंड करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा गाइस, हार्मर ऐड करेंगे। ठीक है, और इसका मैं प्रीसेट यूज़ करूँगा एनालॉग बेस 2। ठीक है, और यहाँ पे शायद इसका रिवर्ब ऑन है, हाँ इसको हम करेंगे ऑफ, और इस पैटर्न को करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और इसके वॉल्यूम को भी हम थोड़ा कम कर लेंगे इस तरह से। सुनते हैं किस तरह से ये साउंड कर रहे हैं अभी। बहुत ही बढ़िया गाइस, तो ये बहुत ही पंची साउंड कर रहे हैं और ग्रूवी साउंड कर रहे हैं। तो अभी हम सिंपली एक 100 बेस लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जो हम अभी बेस लाइन ऐड करेंगे ये काइंड ऑफ की एक कॉर्ड प्रोग्रेशन में प्ले होगा। ठीक है, हमारे बेस के पैटर्न में। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि एक 100 बेस लाइन बनाने के लिए मैं सिंपली यूज़ करूँगा एक पैटर्न या फिर प्रीसेट यूज़ करेंगे, डांस लीड प्रीसेट को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। मे बी इस वाले प्रीसेट को यूज़ करते हैं, लेट्स सी।
को यूज करते हैं गाइस, तो इस पे पेस्ट करेंगे, इसको सोलो कर देंगे, इसको वॉल्यूम को करेंगे कम, और यहाँ पे गाइस यहाँ पे इसके कोड प्रोग्रेशन बनाएंगे, ठीक है। ये पहला नोट, थर्ड नोट, तो गाइस इसके बीच वाले नोट्स को हम करेंगे सिलेक्ट और कर देंगे एक ऑक्टेव ऊपर, भी सुनते इसके जो प्लगइन्स के अंदर जो डिले एंड रिवर्ब है इनको हम करेंगे बंद, अभी सुनते हैं। बहुत ही बढ़िया गाइस, तो मेट्रोनोम के साथ सुनते हैं और कुछ वेरिएशन ऐड करते हैं। बहुत ही बढ़िया गाइस, तो हमारे बेस लाइन में भी इस वेरिएशन को ऐड करेंगे हम। तो अभी बेस लाइन को हम सुनते हैं हमारे ट्रैक के साथ किस तरह से साउंड कर रहा है। ये प्रॉपरली अभी मिक्स नहीं है मुझे पता है, बट हम सुन के देखते हैं किस तरह से साउंड कर रहा है। वेट, सॉरी गाइस, करते हैं म्यूट, अभी सुनते हैं। बहुत ही बढ़िया गाइस, तो अभी हमने कर लिया है क्रिएट हमारे बेस लाइन को, ठीक है, बट इसका जो मिक्सिंग मास्टरिंग है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और उसको मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताना चाहता हूँ, जिसके वजह से मैं इसको एक नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आप बेस लाइन को किस तरह से अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर सकते हैं एंड साइड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।